एक्साइटेड हूँ एयरपोर्ट देखने के लिए। तो बहुत ही प्यारा, इतना सुंदर एयरपोर्ट है कि आप लोगों ने दुनिया भर के वेटिंग एरियाज देखे होंगे, बट जो आपने नहीं देखा होगा वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। हमारा लास्ट डे है कोसामुई में और इस प्यारे से रिसॉर्ट में। सीरियसली बहुत जल्दी टाइम निकल गया, अच्छा नहीं लगता। फिर वापस आएंगे कभी, बट द स्टे वाज रियली गुड। और आज मौसम भी थोड़ा खुला खुला था। आज तो सब अच्छा होगा, हम जा रहे हैं। इसे देखो, ये वॉशरूम है और यहाँ पे इतने सुंदर फ्रेम हर जगह। अगर कहीं भी जाओ, वॉशरूम तक भी जाओ तो भी इतने सुंदर सुंदर फ्रेम है। टाइम पास करने के लिए आ गए मसाज करवाने यहाँ पे, 600 बात का चढ़ावा दो लोगों के लिए होते हुए। पूर्वा जी अपने झोले में से दमादम कैश निकालते हुए। यही तो लाइफ के मजे हैं, छोटी छोटी खुशियाँ हैं। क्यों पूर्वा जी, हैं जी पूर्वा जी, टाइम तो पास करना ही है, कैसे करें, ऐसे करेंगे। मसाज होते हुए हमारी हो गई, हमारी मसाज और अभी तक की सबसे बेस्ट मसाज हमें ज़्यादा अच्छी हमारे रिजॉर्ट पे मिल गई। बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ऐसी बढ़िया नींद आई ना, ऐसी गहरी नींद में सोई हूँ मैं, बहुत अच्छी मसाज। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी हमने कि यहाँ का जो ओशियन है, मतलब ये बीच पे पानी बहुत ही ज़्यादा स्टिल है, मतलब शांत है, वेव्स आ ही नहीं रही है बिल्कुल ही, बिल्कुल इवन आवाज़ भी नहीं आएगी आपको, लेक जैसा पानी है एकदम, एकदम सुकून भरा लगता है, बिल्कुल सुकून सा, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, पानी का भी शोर नहीं है इवन। यार स्विमिंग आना बहुत जरूरी है, स्विमिंग आनी चाहिए यार। ओके, ये देखो हमारे ये हम, अरे तो पैदल है यार, नहीं तो सांस फूल जाती है। वहाँ तक है बीच, वहाँ तक बीच है, हम गए नहीं, हम तो मतलब यहीं तक गए, इतना आगे तक खाली है ये नहीं पता था। इसी बीच पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं बीच साइड वाले, ये हमारा तो यहाँ एंड हो जाता है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कितना ओपन है सब कुछ, ऐसे रिजॉर्ट्स वगैरह, इवन कैफेज, रिजॉर्ट कैफेज है ना, सब ऐसे ही ओपन है। एक शटर नहीं देखा हमने किसी भी दुकान पे, वो लोहे वाला, सब ये बंद करके चले जाते हैं। पूर्वा चप्पल, भगवान जाने साथ चप्पल खोल के पानी में गया था टांग। ओ फक, हो रही, ओ मर गया, चप्पल बह गई। कार्टून विक्ट्री। पूर्वा आ नहीं पाई पानी में क्योंकि हमें चेकआउट करना था। नाउ शी इज गेटिंग जेलस। इतनी हो रही सच्ची मुच्ची, सही ना? पर ये बीच में बहुत डीप है, मैं चला गया था, मेरे पाँव हट गए और बहुत डीप था वो, तो अच्छा मेरे पास ट्यूब थी। यही तो लाइफ है, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो गाइज हम जा रहे हैं एयरपोर्ट आज, हमारा जैसा आपको पता ही है We are leaving Samui and going to Bangkok. तो यार थोड़ा मतलब जाने का तो बहुत दुख है, पर मैं excited हूँ एयरपोर्ट देखने के लिए। हाँ, मतलब बहुत ही प्यारा, इतना सुंदर एयरपोर्ट है कि आपने हमारी स्टोरी में देखा ही होगा, जो जो हमें फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो नहीं करते वो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, पूर्वा कटारिया, तनुराज त्यागी, वहाँ बहुत मसाला मिलता है, बहुत जल्दी जल्दी मिलता है, हम ज्यादा एक्टिव वहीं रहते हैं। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। पूर्वा को बहुत भूख लग रही है, अभी देखते हैं वहाँ पे क्या है, कुछ तो होगा इसे, अगर कुछ नहीं भी होगा तो हमारे पास इंडियन चिपस है, चिपस खाएंगे, कुरकुरा पुरकुरा खाएंगे, वो प्लेन में चाय मिलेगी उसके साथ, प्लेन में चाय मिलेगी। मिलता है आपको एयरपोर्ट पे, आपको दिखाते हैं अभी एयरपोर्ट थोड़ा सा, पहले तो हमने स्टोरी में दिखाया था, अब आपको अच्छे से दिखाएंगे। तुम भाई एयरपोर्ट देखो, अभी तो एंट्री हो रही है, अभी तो पार्किंग है। तो समोई से निकले यूरोप आ गए। आप मानोगे नहीं, हम जा रहे हैं हमारे बोर्डिंग गेट पे, और आप व्यू देखो कितना सुंदर, माय गॉड। बोर्डिंग गेट के पास में
ये बेंचेस है, ये गार्डन है, और पास में आपको थोड़ा सा पीछे देखो कितना प्यारा व्यू है, थोड़ा सा यूरोप दिया गया है आपको पीछे बैकड्रॉप में, ये झूले दिए गए हैं दो, आई मीन वाओ। कैसे रील बना दो मैडम की? रील बनाएंगे हम, पहले पति देव अपने ड्यूटी पे लग जाएंगे, तो ड्यूटी पति की ये है। सो ब्यूटीफुल यार, कितना सुंदर हो सकता है, कोई जगह कितनी सुंदर हो सकती है। लुक एट द कैफेज मैन, सो ब्यूटीफुल। क्या इंडियन फूड? कहाँ लिख रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है। कॉफी आइसक्रीम बेकरी इंडियन फूड, एयरपोर्ट पे इंडियन फूड। मैंने पागल हो जाना इस एयरपोर्ट पर। इधर देखो यार, ये कैफे है, एयरपोर्ट है, बिना बात में पूल में गया, यहाँ आ जाते हम। देखो कैफे, देखो ये सुंदरता झेली नहीं जा रही। I'm so happy, हम जल्दी आ गए। हाँ, आज पहली बार पूर्वा मुझसे खुश है कि मैं इसे जल्दी एयरपोर्ट ले आया। एक चीज बताता हूँ, आप लोगों ने दुनिया भर के वेटिंग एरियाज देखे होंगे, किसी में एसी होता है, कोई क्राउडेड होता है, कोई बुरा सा होता है, बट जो आपने नहीं देखा होगा वेटिंग एरिया, वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। मेरे को आंखों से विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। ये देखिए, ये वेटिंग एरिया है, ये वेटिंग एरिया है यहाँ का, समोई का। देख रहे हो आप, झूलों को बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। दिस इज समोई, अनरियल इट इज, अनरियल। मजा आ गया ना, इतने अच्छे रिसॉर्ट से निकल के जो दुख है ना, वो ऐसा एयरपोर्ट ही कम कर सकता है। सच में इतना सुंदर वेटिंग एरिया है कि यहाँ वेट ही होता रह जाएगा हमारा। सही में, आराम से फ्लाइट और थोड़ी डिले कर सकते हैं, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, थोड़ी डिले कर लो। हम यहाँ बैठ के इंतजार कर लेंगे झूलों पे। अब हमें लग रही है थोड़ी सी भूख, तो जाते हैं कुछ खाते हैं। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है ना, सब मन ऐसा मन कर रहा है सारे कैफे पे चले जाओ। हाय, देखते हैं वेजिटेरियन मिलता है नहीं, इतनी बढ़िया जगह बैठे हैं। ये हमारी सिक्योरिटी चेक के बाद इधर आया हूँ, गेट 1 and 2 की तरफ जाते हुए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, रियली रियली बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। मतलब हम, आप इतनी देर से हम बोल रहे हैं और कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा इसकी ब्यूटी, सीरियसली कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। मतलब आप सोच के देखो, एयरपोर्ट ऐसा हो सकता है क्या यार, ऐसा हो सकता है क्या एयरपोर्ट? बार, कैफेज, गेट टू, दिस इज आवर गेट टू, पीपल आर रिलैक्सिंग ओवर हियर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट्स। हम थोड़ा हांड के आते हैं, और ये बाकी लोगों को दिख नहीं रहा है क्या, बस पड़े हुए हैं, घूम लो थोड़ा सा। सही में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, गुंदे हुए हार्टिंग की तरह। तो ये एयरपोर्ट 4 घंटे पहले भी आ जाओ तो भी मलाल नहीं होगा। सीरियसली इतना सुंदर एयरपोर्ट है। ये बोर्डिंग गेट है, कैन यू बिलीव इट भैया, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बोर्डिंग गेट है। हैं पूर्वा, ये कैसा टोया पार्ट दिया है इन्होंने। हाँ यार, अब आपको एक चीज दिखाते हैं, लोग कैसे वेट कर रहे हैं यहाँ पे फ्लाइट का। आई विल शो यू, लुक एट दिस, दिस इज हाउ पीपल आर वेटिंग। ऐसे वेट करना पड़ रहा पूरा फ्लाइट का। वाओ वाओ यार, यहाँ पे लैंड होगा, विल बी वेटिंग हियर। कटसी कॉर्नर, क्या चीज़ है, लगता है ये फ्री में, कॉम्प्लीमेंट फ्री में, फ्री की चीज़ मुझे पसंद है। वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छे लोग हो गए यार, जूस भी है। यू वांट? यस आई वांट जूस भाई, फ्री का जूस मिल रहा है यार,
इतने खूबसूरती के साथ ये सब भी मिल रहा है। दे हैव कॉफी आल्सो, कोई आइस टी है, कोल्ड कॉफी है, चॉकलेट मिल्क वाटर है। इज दैट आइसक्रीम? सॉफ्टी सी लग रही है। ओ पानी भी, ये पानी पीने का है, इसमें कैसे पानी पी। सब कुछ क्यूट है यहाँ पे, इतनी क्यूटनेस हर चीज में, लोगों में, सामानों में, व्यूज में। कर्टेसी कॉर्नर बनाया इन क्यूटीज से। ओ माय गॉड, भाई ये सब भी अगर किसी को खाने हो, किसी को पसंद हो, वो ये भी खा सकता है। इस एयरपोर्ट के लिए हमें शहर वापस आना पड़ेगा। इस एयरपोर्ट पे सब कुछ है, आप सुबह से रात बिता सकते हो। हमारा प्लेन आने वाला है तो बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। चल पड़े अपनी कार्ट की तरफ, हमारी इस बार की चौथी फ्लाइट। हाँ, चौथी फ्लाइट हमारी।